गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। आखिर इसकी महिमा क्या है, आखिर संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है। आप सभी के कष्टों को हरेंगे हमारे गजानंद महाराज। बहुत सारे लोगों को वाद विवाद होता है, बार बार उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके कई केस चल रहे हैं, उनके ऊपर कई आपदा आ रही हैं, तो इन सभी आपदा को हरेंगे हमारे गजानंद महाराज। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर संकष्टी व्रत से होता क्या है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो जातक सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूरी विधि विधान से उपासना करता है, उसके ऊपर प्रभु की उत्कृष्ट कृपा बरसती है। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमारे भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवता से प्रथम पूजनीय माना जाता है। गजानंद महाराज को बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों को, विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म की देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत और उपास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकट चतुर्थी व्रत काफ़ी प्रचलित है। आइए जानते हैं संकट प्रचलित व्रत के बारे में विस्तार से। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरी विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से विवाद संबंधी जो भी दोष रहते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। हमारे गजानंद महाराज हमारी सारी मुसीबतों को हर लेते हैं। भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी व्रत हर महीने की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। 2 जनवरी 2021 यानी कि शनिवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के नाम का व्रत रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है? संकष्टी चतुर्थी व्रत 2 जनवरी 2021 शनिवार को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत पर सुबह और शाम को पूजा की जाती है। 2 जनवरी शनिवार को सुबह की पूजा का आरंभ सुबह 5:24 से होगा और 6:21 पर समाप्त होगा। शाम की पूजा का आरंभ शाम को 5:35 से होगा और 6:57 पर समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि क्या है। संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको जल्दी उठना है और स्वच्छ कपड़े पहनना है। ध्यान रखें, आप अगर पूजा करते हैं, आप अगर व्रत करते हैं तो इस दिन आप पीले कपड़े पहने, पूजन में भी आप पीले कपड़े पहन सकते हैं। एक पाट लें यानी कि एक चौकी लें, उसको साफ करें, उस पर आसन बिछाएं, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कें और चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र विराजित करें। भगवान गणेश के आगे दीप और धूप बत्ती जलाएं। बहुत सारे लोग होते हैं अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती की जगह आप धूप जला सकते हैं। गणेश चालीसा का जाप करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान गणेश को आप मोदक का भोग भी लगा सकते हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान गणेश की आरती करें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें, भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन में जो भी विवाद हैं उन सभी का निवारण करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेंगे। उत्कृष्ट, उत्तम, सरल तरीके से और सही तरीके से जो भी ये उपासना करता है उसके ऊपर गजानंद महाराज की उत्कृष्ट कृपा बरसती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन
कुछ कार्य को करना वर्जित होता है। अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गलती से ये कार्य कर लेते हैं तो भगवान गणेश आपसे रूठ जाते हैं। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो संकष्टी चतुर्थी पर भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर आपको जो नहीं करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। चतुर्थी वाले दिन पर आपको भगवान गणेश पर गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ाना है। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल तो आपको करना ही नहीं है, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको घर में लहसुन प्याज और जो भी जमीन कंद है उनका उपयोग नहीं करना है, उनका सेवन नहीं करना है। भगवान गणेश के इस पवित्र पावन दिन पर आपको शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना है, यह भी वर्जित है। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप पशु या पक्षियों को आपको सताना नहीं है, उन्हें और पानी पिलाना है ताकि आपकी साधना है, जो उपासना है वो सफल हो जाए। इस दिन आपको किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, ऐसा करने पर भगवान गणेश क्रोधित हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना है, ऐसा करने से भगवान गणेश आपसे रूठ जाते हैं। ध्यान रखना, इस दिन आपको झूठ भी नहीं बोलना है। आज के दिन के उपाय जो आपको निश्चित ही करना चाहिए, ये बहुत ही सरल उपाय आपको बताए जा रहे हैं। अगर ये आप करते हैं तो आपको निश्चित ही इसका फ़ायदा मिलेगा, इसका फलस्वरूप आपको आशीर्वाद गजानंद महाराज का मिलेगा ही मिलेगा। भगवान गणेश को हम संकट हर्ता कहते हैं, विघ्न हर्ता कहते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। अगर आज के दिन गजानन के माथे पर हम चंदन का सिंदूर का तिलक लगाते हैं और उसके बाद अक्षत यानी कि चावल लगाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन का जो भाग्य, जो आपके जीवन का जो भाग्य है, जो कमज़ोर पड़ा हुआ है, वो तेज़ हो जाता है। तो आपका भाग्य जैसे ही तेज होता है तो आपके जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी कार्य रुके हुए हैं, वो तेज़ी से हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, विशेषकर कोई भी अच्छी मनोकामना है, तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को थोड़े कच्चे चावल चढ़ाएँ, साथ ही एक लाल रंग का फूल भी चढ़ाएँ। अब पूजन के बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी जो भी इच्छा है वो परिपूर्ण हो जाती है। गणेश जी की अगर आपको कृपा पानी है तो इस दिन आपको 11 बूंदी के लड्डू या मोदक के लड्डू आपको चढ़ाने हैं। अब पूजन के बाद आपको ये लड्डू दूसरों में बांट देना है और खुद भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जिन लोगों के हमेशा काम अटके रहते हैं, कोई कार्य परिपूर्ण नहीं होता, बार बार विघ्न आते हैं, तो उन लोगों के लिए श्री गणपति या गणेश जी के मंत्रों का उनको पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो भी संकट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजन करते समय आप हरे वस्त्र भी पहन सकते हैं और पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं। वहीं गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना किसी चौकी पर पीले कपड़े पर ही आपको करना है। संकष्टी चतुर्थी के दिन जब आप चौकी पर हमारे गजानंद महाराज को, हमारे भगवान को जैसे ही स्थापित करते हैं, तो आप उनके नीचे थोड़े अक्षत रख दें, तो अक्षत के ऊपर ही उनकी स्थापना करें और थोड़ा कुमकुम छिटक दें। ऐसा करने पर हम भगवान गणेश जी को मान सम्मान प्रदान करते हैं, तो ऐसा ही मान सम्मान हमारे जीवन में गजानंद महाराज की कृपा से आए। संकष्टी चतुर्थी के इस शुभ दिन पर आपको 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, वो दूर हो जाती है। आज के दिन किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, साथ ही गाय को हरी घास खिलाई जाए, तो व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रह दोष जो हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। गरीबों को अगर आपको कुछ दान करना है तो साबुत हरी मूंग दाल का आपको दान करना है, जिससे आपके बुध ग्रह मजबूत होता है, इससे विद्या बुद्धि आपकी बढ़ती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।